पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू फायर ब्रांड साध्वी प्राची ने कांग्रेस में चल रही अंतरकलह पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि ये तो देश के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जिसने 70 साल तक हिंदुओं को लूटने का काम किया, अब वो टूट रही है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी में दम है, अब कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बटे तो अच्छा होगा। वहीं जब साध्वी प्राची से हाथरस में एक बेटी के पिता की हत्या मामले पर सवाल पूछा गया तो बोली कि आज योगी जी ने कड़े आदेश दिए हैं, लेकिन विडंबना है कि अब आरोपी पक्ष के जाति धर्म के आधार पर योगी जी को घेरने का प्रयास शुरू कर देंगे, जो बहुत गलत बात है। अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता। अब एक लॉबी खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि योगी जी तो पंडितों के खिलाफ हैं, और कुछ वकील भी सामने आ जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान के लिए गुड न्यूज है भाई, बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान को 70 साल तक लूटने का काम किया, आज वो टूटने के कगार पर हुई, तो इसका मतलब मोदी जी में दम है, ये मानना पड़ेगा। और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस अभी टुकड़ों टुकड़ों में बटे तो बहुत अच्छा है। देखिए, मैं किसान की बेटी हूं और किसानों के सदैव मेरे दिल में भावनाएं रही हैं, उनका सम्मान करती हूँ किसानों का, और करना चाहिए हर भारतीय को, क्योंकि हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान है और हर भारतीय किसानों का सम्मान करता है, ऐसा नहीं। लेकिन किसानों की आड़ में जो राजनीति हो रही है उससे मैं बहुत दुखी हूँ, बेहद आहत। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, समस्या यहाँ है। देश के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मोदी जी देते हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द होती है। कोई भी देश हित में मोदी जी कार्य करते हैं तो विपक्ष उसको प्रशंसा तो कर नहीं पा रहा। हालांकि अच्छे विपक्ष की यही पहचान है, मोदी जी अच्छा कार्य करें तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए आगे बढ़ करके, लेकिन विपक्ष ये कर नहीं पा रहा तो उसी की वजह से उनके पेट में दर्द होता है, अपनी फजीहत करा लेते हैं। पूरा देश तू कर रहा है विपक्ष के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई, तो ये तो अच्छी बात थी, मोदी जी ने खुद अपने आप लगवाई है ना, तो सबको प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष ये ऐसा कार्य नहीं कर रहा है। ये मैं कहूंगी कि इन लोगों की दिवालियेपन का एक जो समाज के सामने और देश के सामने मानसिकता का परिचय आ रहा है। एक सवाल और था, कांग्रेस जो सीनियर्स है कांग्रेस के, जिसमें गुलाम नबी आजाद सहित 23 लोग हैं, वो टूट रही है कांग्रेस? देखिए, ऐसा नहीं, योगी जी बहुत अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और मुझे भी इस घटना का पता चला, बेहद दुखी हूं मैं भी। उस बेटी से मैं मिलने भी जाऊंगी, प्रयास करूंगी। योगी जी ने आज, मैंने मीडिया में देखा भी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी है। समस्या कहाँ है? योगी जी कदम उठाएंगे तो पूरी की पूरी एक लोबी खड़ी हो जाएगी योगी जी के खिलाफ, कि योगी जी तो पंडितों के खिलाफ है, उनको सजा दे रहे हैं। अपराधी अपराधी होता है। जब तक हिंदुस्तान के अंदर, और विशेष कर कहूंगी मैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बुद्धिजीवी एकजुट नहीं होंगे, वो किसी भी जाति का हो सकता, अपराधी अपराधी है, तो हम सब समाज को न्याय दिला सकते हैं। योगी जी उनको जरूर दंड देंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की घोषणा भी की है, लेकिन मुझे विश्वास है, और ये मैं सुबह से सोच रही हूं, कि योगी जी के खिलाफ वही लोबी जो अपराधी है ना, उन्हीं के लोग बयानबाजी करेंगे और योगी जी को डाउन करने की कोशिश करेंगे। दुख तो यहाँ होता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।